जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे बहनों और भाइयों, आपका मेरे YouTube चैनल मीरा देवी भजन पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए, आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारी ढोलक की वीडियो लेकर आए हैं, बहुत ही सरल वीडियो लेकर आए हैं। और इससे पहले भी मैंने बहुत सरल सरल वीडियो डाली हैं, तो ये भी वीडियो बहुत ही सरल है और आशा है आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो बहनों, ये भी ढोलक मेरी चार काउंटिंग में है। तो देखो ये चार काउंटिंग किस तरीके से बजेंगी, हम आपको ढोलक पर गा के और बजा के दिखाते हैं। तो देखो बहनों, हम आपको बता दें कि ये जो ढोलक का ये भारी आवाज होती है ना, जो इसमें मसाला लगा होता है जिसमें, तो इधर हम थापी बजाते हैं। तो हम मेरा ये बायां हाथ थापी पर चलता है, तो मैं इससे थापी बजाती हूँ इस तरीके से। और आपका जौन सा भी हाथ थापी पर चले, या बायां चले या दायां चले, आप उससे थापी बजा सकती हो। तो बहनों, जो भी आपका हाथ चले थापी पर, आप उसी से बजाएं। ये ना सोचें कि मैं अगर बाएं से बजा रही हूँ तो आप भी कोशिश करें कि मैं भी बाएं से बजाऊं। जौन सा आपका थापी पर चले वही हाथ थापी पर बजाना। तो देखो बहनों, ये है महीन आवाज वाला हिस्सा चाटी का। तो इधर हम चाटी बजाते हैं, ऐसे भी मारते हैं, ऐसे इस तरीके से ऐसे, और किनारी पर ही हमारी चाटी बजाई जाती है इस तरह। पहले ये उंगली मारी जाती है चाटी में, फिर ये मारी जाती है, इस तरीके से चाटी ऐसे बजाई जाती है। देखो, तो ये मेरा सीधा हाथ चाटी पर चलता है आसानी से, तो मैं इसी से चाटी बजाती हूँ। और आपका जौन सा भी आसानी से चाटी पर चले, आप उससे चाटी बजाएं। और जौन सा हाथ आपका थापी पर आसानी से चले, आप उससे थापी बजाएं। तो देखो बहनों, तो दो थापी हमारी इसमें पहले आएंगी, तो दो गिनती हम पहले मारेंगे दो थापी के साथ। देखो, एक दो, और फिर तीसरी गिनती हम इसमें मारेंगे तीन, चार, तो देखो, एक दो, दो गिनती दो थापी में, तीसरी के साथ हम दोनों को मारेंगे एक दो तीन चार तो देखो, चौथी गिनती जो आती है हमारी, उसमें हम बंद वेश मारेंगे ऐसे इस तरीके से, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार। तो तीन इसमें खुले बेस मारे जाएंगे, एक दो तीन, ये हमारे खुले बेस हो गए। और चौथी गिनती पर हम ऐसे उंगली मोड़ेंगे और जहां मसाला होता है बीच में मारेंगे ऐसे, चार चार चार, चार चार चार, इस तरीके से। तो देखो बहनों, तीसरे थापी के साथ हम इसको भी मारेंगे, और गुम्मक के साथ बंद वेश के साथ हम पहले ये उंगली मारेंगे और फिर ये तीन उंगली मारेंगे, चौथी गिनती में दोनों को साथ लेंगे। तो देखो, एक दो तीन चार चार चार, देखो कितनी प्यारी वीडियो लग रही है ना, कितनी अच्छी ढोलक लग रही है, और बहुत ही सरल है, बहुत आसान है। तो देखो, हम आपको सामने दिखाएंगे। तो देखो, दो थापी मारेंगे हम, एक दो ऐसे, और तीसरी के साथ हम दोनों को मारेंगे तीन, और फिर गुम्मक के साथ हम ये उंगली मारेंगे चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन, और फिर ऐसे ये उंगली और ये चार उंगली ऐसे मोड़ के मारी जाएंगी, चार, एक दो तीन चार चार। ये बहनों, ये उंगली नहीं मोड़नी है हमको, ये सीधी रहेगी, ये चार उंगली मोड़नी है। गुम्मक बंद बेस ऐसे मारे जाए, ये हम गुम्मक भी बोलते हैं इसको,
इस तरीके से। तो देखो कैसे बजेगी, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चौथी, बीच में इनको मारेंगे, इनके इसके बाद चार चौथी गिनती बोलेंगे, ऐसे चार ऐसे मार के, चार 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 चार। तो देखो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। तो देखो कितनी सरल ढोलक है, कितनी आसान है। तो आपसे कितनी आई कितनी नहीं आई ये हमको जरूर बताएं। तो देखो हम दोनों को फिर से बजा के दिखाते हैं आपको। तो देखो हम आपको गाने में मिला के दिखाते हैं, हम हर वीडियो को गाने में मिला के दिखाते हैं बहनों, कि आप ये ना कहोगे ये गाने पर नहीं चल रही, आपने कैसी बताई है। तो हम हर वीडियो को गाने पर मिला के दिखाते हैं, थोड़ा सा छोटी सी कड़ी हम जरूर गाते हैं। तो इस बार भी हम आपको दिखाएंगे गाने पर भजन पर मिला के। तो देखो हम मैं आपको राम जी का भजन सुनाती हूँ। राम मिला कने माता